हेलो गाइस, तो अभी हम लोग कवर करेंगे फीबा इंटरनेशनल क्वालिफायर का जो मैच होने वाला है सऊदी अरेबिया वर्सेज ईरान के बीच में। तो गाइस, अगर आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब के चैनल को विजिट कर रहे हो तो आपको यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और जो बेल आइकॉन है गाइस उसको प्रेस ज़रूर करना है, क्योंकि जो बास्केटबॉल के स्टैट्स रहेंगे, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के स्टैट्स प्लस प्रॉपर लाइनअप विद इंजरी न्यूज़ आपको कहाँ मिलने वाला है, सिर्फ यूट्यूब के चैनल पर। तो इसीलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बेल आइकॉन को आपको प्रेस करना है। सेकेंड थिंग, फाइनल अगर लाइनअप में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो सारे चेंजेस आपको मिलने वाले हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको सर्च करना है रोहित द हिटमैन करके, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हो। तो सीधा हम लोग अभी बात करेंगे आज के मैच की। तो सबसे पहले देखेंगे जो लास्ट मैच का स्कोर कार्ड था ईरान के लिए, ठीक है। तो देख सकते हो आप ईरान का स्कोर कार्ड, ईरान की तरफ से टॉप स्कोरर थे उस मैच में, देख सकते हो हामिद अडाडी 14 पॉइंट्स, 14 रिबाउंड, 9 असिस्ट 29 मिनट्स में। बाद में देख सकते हो सैयद दवापरना 21 मिनट्स, 12 पॉइंट्स, 9 रिबाउंड, 4 असिस्ट। बाद में देख सकते हो मोहम्मद जमशेद जाफरा 22 मिनट्स, 9 पॉइंट्स, 6 रिबाउंड। मोहम्मद हसन दे 16 मिनट्स में 11 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड। बाद में साजिद महाशेकी 19 मिनट्स, 4 पॉइंट्स, 2 असिस्ट। आमिर शेरगी 9 मिनट्स में कुछ किया नहीं था, देख सकते हो। बाद में मेहनाम का परफॉर्मेंस 22 मिनट्स, 9 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 4 असिस्ट। बाद में रसूल 11 मिनट्स में 3 पॉइंट्स, 1 रिबाउंड, 3 असिस्ट। बाद में हामिद हुसैन दाडिया 7 मिनट्स में 2 पॉइंट्स उसने स्कोर किया था, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हो मैसम का परफॉर्मेंस 10 मिनट में 2 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड स्कोर किया था। बाद में है नावीद 16 मिनट, 8 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट। और बाद में है मिचेल रोस्टमपुर, ठीक है। मिचेल रोस्टमपुर की अगर बात करेंगे तो मिचेल रोस्टमपुर का परफॉर्मेंस था 14 मिनट में 10 पॉइंट स्कोर उसने किया था। तो अभी हम लोग बात करेंगे जो सेकेंड टीम है उस टीम की, सऊदी अरेबिया की। देख सकते हो आप सऊदी अरेबिया की तरफ से मार्जाउ 26 मिनट में 4 पॉइंट्स, 3 रिबाउंड, 3 असिस्ट। बाद में अलसाइगर का परफॉर्मेंस 8 मिनट में 1 असिस्ट। फहद बिलाल 29 मिनट्स, 9 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 1 असिस्ट। मोहम्मद अलमारवानी 27 मिनट्स, 13 पॉइंट्स, 12 रिबाउंड, 3 असिस्ट। माथा अलमारवानी 22 मिनट्स में 20 पॉइंट्स, 7 रिबाउंड, 2 असिस्ट। बाद में खालिद अब्दुल गब्बार 35 मिनट्स, 7 पॉइंट्स, 2 रिबाउंड, 6 असिस्ट। अली शुभियारी ये मैच खेला नहीं था लेकिन बढ़िया प्लेयर है गाइस, क्रेडिट सेविंग के लिए आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। बाद में मोहम्मद शिबली नहीं खेला था, नतीफ अतला भी नहीं खेला था, ओसामा अलबारगवा भी देख सकते हो 2 मिनट्स ही खेला था और बेंच से खेला था, देख सकते हो परफॉर्मेंस 0-0 है सब। बाद में मोहम्मद असलू आलिम का परफॉर्मेंस 21 मिनट में 4 पॉइंट्स, 9 रिबाउंड, 1 असिस्ट। उसके बाद में है अयूब अरसलावानी 25 मिनट्स में 11 पॉइंट्स, 4 रिबाउंड, ठीक है। तो ये था स्कोर कार्ड लास्ट जो दो मैच हुए थे सऊदी अरेबिया वर्सेस ईरान के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे जो हमारे टीम का प्रीव्यू होने वाला है ये मैच के लिए। तो सीधा हम लोग अभी देखेंगे टीम की प्रीव्यू। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ जो फर्स्ट सेक्शन है, जो पॉइंट गार्ड सेक्शन है, उधर से हम लोग देखेंगे आपके लिए ऑप्शन कौन अच्छे है। जमशेद जफरार, बाद में हुसैन जाडिया, के गबर, ठीक है। तो ये आपके लिए तीनों बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से, ठीक है। अगर सिलेक्शन वाइज देखोगे तो के गबर को ड्रॉप किया है बहुत लोगों ने, लेकिन आप देख सकते हो के गबर का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। बाद में शूटिंग गार्ड सेक्शन से जे कैबे, एस शुभी आली है यहाँ से, बाद में यक्चिन दे आपको यहाँ से खेलते हुए दिख जाएंगे। एसएफ सेक्शन से अगर बात करोगे तो एमनी खबरा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अलमारवानी यहाँ से आपको दिखेंगे खेलते हुए, बढ़िया ऑप्शन है। एस दावरपना आपको दिखेंगे यहाँ से खेलते हुए। बाद में पीएफ सेक्शन से एम अमलारवानी है आपके लिए। बाद में एम हसन दे, ये भी अच्छे ऑप्शन है आपके लिए। और सेंटर सेक्शन से अगर हम लोग देखेंगे तो रोस्टमपुर आपको यहाँ से खेलते हुए दिखेंगे और अलसुवालियम आपको खेल से दिखेंगे, ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे अलसुवालियम की, क्रेडिट बहुत ज़्यादा है गाइस, प्लेयर अच्छा है, लेकिन अगर फ्लॉप गया तो आपका इस क्रेडिट के कारण टीम आपका कॉम्बिनेशन ख़राब कर सकता है, ठीक। तो इसीलिए मैंने उसको अभी के लिए पिक नहीं किया। तो ये मेरी कुछ टीम की प्रीव्यू है, ठीक है। अगर आप गबर को ड्रॉप करना चाहते हो तो गबर को ड्रॉप कर सकते हो और उसकी जगह आप एम अलमारवानी को ले सकते हो, वो भी बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। फिलहाल के लिए मैं के गबर के साथ गया हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था कि शुभियाली लास्ट मैच खेला नहीं था, अगर शुभियाली को आपको नहीं लेना है तो शुभियाली की जगह में आपके लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है एस दावपार बना, ठीक है। दोनों भी बेंच से खेलते हैं और सेम मिनट्स खेलते हैं, तो दोनों भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, तो आप किसी एक के साथ ज़रूर जा सकते हो, ठीक है। तो एस पी और पी पी के लिए ये मैच के लिए आपके लिए बेस्ट प्लेयर होने वाला है जेक कैबे, ठीक है। उसके बाद में के गबर आपके लिए बढ़िया पिक होने वाले हैं। एम जमशेद जी आशीष मेन बॉल हैंडलर है,
टीम के लिए, तो वो भी आपके लिए बढ़िया पिक साबित हो सकता है। तो गाइज ये कुछ रहेगी हमारी टीम की प्रीव्यू बिफोर द लाइनअप। अगर लाइनअप में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो सारे चेंजेस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल को जुड़ना बहुत ज़रूरी है, रोहित द हिटमैन आपको सर्च करना है या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। सो गाइज ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।